हेलो गाइस, सो आई होप यू डूइंग वेरी वेल। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इन लास्ट टर्म वी हैव स्टार्टेड ए न्यू टॉपिक इन द फिजिक्स एंड दैट वाज वेक्टर्स। तो वेक्टर्स की, प्यारे बच्चों, हमने देखा था कि हमने एक फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट किया था कि फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर और वेक्टर में बांट दिया था। फिर हमने देखा था कि सर वेक्टर क्वांटिटी वो होंगी जिनका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, एंड दे ऑल्सो ओबेइंग द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, फिर हमने इसके अलग अलग तरह के टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी हमने देखे थे। नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स एंड सो ऑन। मैंने आपको बताया था इसमें से एक यूनिट वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट था, तो यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। ठीक है, और हमने देखा था कि आई कैप, जे कैप, के कैप, ये भी सारे यूनिट वेक्टर्स हैं। आई कैप को हम यूज कर रहे थे अलोंग द एक्स एक्सिस और जे कैप को हम यूज कर रहे थे अलोंग द वाई एक्सिस। उसी तरह से जेड जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर था वो था हमारा के कैप, राइट। तो आई जे के ऊपर एक कैप टाइप से जो बना देते थे हम, तो वो बन जाते थे यूनिट वेक्टर। इसके अलावा हमने पिछले टर्म पर एक चीज और देखी थी कि यूनिट वेक्टर सर कैसे बनाए। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास ए वेक्टर है, ठीक है, तो ए वेक्टर का जब आपको यूनिट वेक्टर बनाना था तो आपने क्या सोचा कि सर ए वेक्टर है इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। क्यों ना सर इसके मैं मैग्नीट्यूड से इस ए वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा, तो सर इसका मैग्नीट्यूड बन रह जाएगा और फिर ये क्या बन जाएगा सर, ये बन जाएगा सर यूनिट वेक्टर जिसको मैं कहूंगा ए कैप, राइट। तो ये सब चीजें हमने देखी थी। उसके बाद हम चीज को आगे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, पोजिशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर में लिखना है, ठीक है। आपको ये थोड़ा सा धुंधला दिखता होगा, आई मैक्री भी दी हो, मैं इसको कुछ दिनों में इसका सॉल्यूशन देख रहा हूँ। जैसे ये वाली वीडियो क्वालिटी है आपकी, ये भी बहुत अच्छे से हो सके। श्योरली वर्किंग टूवर्ड्स इट, एंड आई होप कि मैं कुछ दिनों में इस चीज़ का आपको सोल्यूशन दे सकूँ। ठीक है बेटा, तो पोजिशन वेक्टर नाम से ही पता लग रहा है कि सर ए वेक्टर यूज टू स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सम फिक्स पॉइंट, कि सर किसी एक फिक्स पॉइंट के हिसाब से इसकी पोजिशन होगी। अब वो फिक्स पॉइंट क्या हो सकता है, वो फिक्स पॉइंट ओरिजिन भी हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं इसको जैसे आपसे बात करूँ कि एक ओरिजिन बना ले हम, तो इसको क्या कहेंगे आप, इसको कहेंगे एक्स एक्सिस। ठीक है सर, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गई आपकी वाई एक्सिस, और इसकी जो परपेंडिकुलर होगी दैट विल बी जेड एक्सिस। अब परपेंडिकुलर को मैं ऐसे दिखा नहीं सकता, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये हो गई आपकी जेड एक्सिस, ओरिजिन आपका पॉइंट हो गया और ये यहाँ पर। तो इसके आप जो कोऑर्डिनेट्स देंगे वो देंगे 0, 0, 0, 0। समझ गए। अब मैं क्या कह रहा हूं कि लेट से इस स्पेस में एक कोई पॉइंट है, ए पॉइंट, इसकी पोजीशन ओरिजिन के हिसाब से आपको बतानी है कि सर आपने जो बनाया है पॉइंट ए, इसका कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा होगा सर, तो ये हो जाएगा एक्स। ये सर कुछ ऊपर भी है तो ये वाई आ रहा होगा, और अगर स्पेस में है और कुछ अगर इस डायरेक्शन में भी ऊपर गया होगा तो सर ये जेड हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं कि इसके एक्स वाई जेड तीनों ही हो, कोई एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, या तीनों के तीनों हो सकता है। तो फिर बेटा आप क्या कहेंगे इसे, अगर ये ओ से लेके ए तक फिर आप एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, इसको मैं कहता हूँ ओ ए वेक्टर, इसको मैं कह सकता हूँ आर वेक्टर। अगर उसमें ओ ए को आर वेक्टर कहूँ तो ये इसकी हो जाएगी पोजीशन, एंड दिस आर वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, अगर मैंने इसको एक्स कोऑर्डिनेट दिया था तो मैं कह सकता हूँ इसके पोजीशन वेक्टर में अगर बनाऊँ कि सर ये एक्स आई कैप, जो ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को दिखा रहा है आई कैप, प्लस वाई जे कैप, प्लस जेड के कैप, ये आपका इस तरह से रहेगा। ठीक है, समझ में आया आपके। यही चीज हम डिस्प्लेसमेंट में भी देख सकते हैं। मैं आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं क्या है, ये मैं आपको बहुत डिटेल्स में बताऊंगा। बट आपने 9th क्लास में पढ़ा भी था डिस्प्लेसमेंट, और आप कहते थे कि सर डिस्प्लेसमेंट होती है शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट्स, कि सर दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या मैं एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के बीच में अगर सीधा सीधा एक वेक्टर ड्रॉ कर दूंगा तो
तो वो होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बेटा पोजीशन के हिसाब से आप कैसे दिखाएंगे, देखो मैंने फिर से मैंने एक्स और वाई को एक्सिस इसमें डिनोट कर दी, और मैं फॉर एग्जांपल अब इसमें जेड एक्सिस नहीं ले रहा हूँ, तो मेरा जब इस प्लेन में कोई पॉइंट पी हुआ, ठीक बात, तो इसकी पोजीशन इस पॉइंट पी की अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ इसके, तो कि सर ये कुछ ना कुछ यहाँ तक आया होगा, तो सर ये एक्स कॉमा ये कुछ ऊपर गया है भाई, तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए मेरा, चलो मैं दो पॉइंट लूंगा तो मैं इसको बना देता हूँ एक्स वन कॉमा वाई वन, ठीक है, एक्स वन कॉमा वाई वन मेरे इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। और अगर इसका कोई आपसे पोजीशन वेक्टर पूछ रहा होगा तो कि सर मैं इसको डायरेक्टली बना दूंगा यहाँ से, और अगर ये पॉइंट पी है तो मैं कह दूंगा सर इसे ओ पी वैक्टर, और इस ओ पी वैक्टर को सर मैं कह सकता हूँ एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप, कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब सर उसी तरह से लेट से एक दूसरी पोजीशन है सर मेरी क्यू पॉइंट की, और उसके सर जो कोऑर्डिनेट्स हैं सर वो है मेरे एक्स टू कॉमा वाई टू, तो इसकी जो पोजीशन रहेगी इस क्यू पॉइंट की, इसको मैंने पहले ये ओ पी वैक्टर कह दिया था, तो ये हो जाएगा ओ क्यू वैक्टर। अगर मैं ओ पी को मैं आर वन वैक्टर कहूँ, तो इस ओ क्यू को मैं कह देता हूँ सॉरी आर वन वैक्टर, ये हो गया आर टू वैक्टर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे सर कि ओ क्यू वैक्टर मीन्स आर टू वैक्टर, और सर ये हो जाएगा हमारा एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप, ठीक बात, ये यहां तक आपने इसे कर लिया। अब अगर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट कर रहा होता कि इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताइए, डिस्प्लेसमेंट, आप क्या कहते बेटा कि सर डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है उन दोनों पॉइंट के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस, सर ये तो है इनके बीच का क्या डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हैं? और डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पोजिशन, तो लेट्स से यहाँ से पोजिशन लेके वहां तक चेंज हुई, तो सर इसका डायरेक्शन हुआ सर ये, समझ रहे हैं? तो ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा, तो उस हिसाब से जो इसका डिस्प्लेसमेंट बेटा बनेगा, दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी आर टू वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर, एंड इट विल बी x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap, ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और यहां तक किसी को कोई दिक्कत, इसमें अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आप लगाओ, जो मैंने आपको पिछले टर्न पे बताया था, इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आप लगा सकते हो क्या? कि सर बिल्कुल लगा सकते हैं, ये एक्चुअली हमारा, मैं इस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को, एक तो देखो इस वीडियो को आप कभी भी आगे कभी भी पीछे करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत चीज़ें क्लियर नहीं होती, आपको धुंधला नजर आता है, और अगर आप इसे स्किप कर दोगे ना जरा भी, तो आप सोचोगे यार सर ने यहाँ कहाँ से लिख दिया, तो मेरे पास इस जगह की शॉर्टेज है, तो मैं एक्चुअली इसे देखो यहीं पर बनाने वाला हूँ, इन चीज़ों का आपको बेटा थोड़ा सा ख्याल रखना है, और एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट मैं इसे समझा रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट आपने कहा था कि सर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट डिस्टेंस होती है, और सर उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा सर वहाँ से मैंने सीधा कर दिया, अगर मैं यहाँ पर उस ट्रायंगल लॉ के कॉन्सेप्ट को लगा रहा होता तो मैं इसमें कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या कह रहा था कि सर जब एक वेक्टर को ऐसे आप पहले के हेड से दूसरे की टेल आप सर जब कनेक्ट कर देते हो, तो उसका जो डायरेक्टली जब एक तीसरा फिर वहाँ से जो इस तरह से होता है, तो वो उनको सर एडिशन को दिखा रहा होता है, इसकी इसके हेड से इसकी टेल आपने कनेक्ट की, मतलब ये ए है और ये बी है, तो ए प्लस बी एक तरह से क्या आएगा हमारा आर, उसी तरह से देखो बेटा यहाँ पर ये आर वन वेक्टर है, समझ रहे हैं? और इसके हेड से इसकी टेल कनेक्टेड है, ये यही तो डिस्प्लेसमेंट है, और ये फिर इससे आर टू कनेक्टेड है, तो मैं क्या कह सकता हूँ आर वन प्लस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर टू, क्योंकि उनका रिजल्टेंट आ रहा है, समझ रहे हैं? देखो ये सर्कल बना,
ये चेन यहाँ पे ब्रेक हुई, पहले ऐसे गया फिर ऐसे गया, और फिर ये ऐसे ना जाके ये डायरेक्टली एरर ऐसे हुआ। इसका मतलब दिस इज द रिजल्टेंट आर टू वैक्टर इज इक्वल टू मेरा हुआ है आर वन वैक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर, आर टू वैक्टर माइनस आर वन वैक्टर, और आर टू माइनस आर वन जब आप करोगे तो वापस वही क्यों नहीं पहुंचे। क्लियर बात, यहाँ तक आपके सारा कुछ समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, वीडियो को एक बार पॉज कर लेना, एक बार फिर वापस इस कंसेप्ट को रिवाइज कीजिएगा। आप जस्ट 11th क्लास में आए हैं, अभी हम बहुत बेसिक से छोटी छोटी चीजों को उठा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और इस ड्यूरेशन में मैं थोड़ा सा आपसे कुछ और बात और करना चाहूंगा बेटा। ये मेरे पास कुछ पेरेंट्स के कॉल आए थे, तो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली वो ये पूछ रहे थे कि सर अभी जस्ट बच्चा हमारा 10th से 11th की तरफ मूव हो रहा है, तो उसे कैसे और क्या करना है, इससे रिलेटेड भी आप थोड़ा सा मैं बता दीजिएगा। आप जस्ट अभी एज में बहुत छोटे हैं, यू आर नॉट मैच्योर्ड इनफ। मैं आपको बता दूं कि फिजिकल क्लासेस में हम ओरिएंटेशन करते थे और वहाँ पे सारा कुछ पूरे साल भर की आपकी प्लानिंग कैसे होनी चाहिए ये हम सब बताते थे। ऑनलाइन में भी आपको थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी क्योंकि ये प्रॉपरली आपको गाइड नहीं किया है ये सब चीजों के बारे में, आप भी टोटली फ्रेश हो न्यू हो राइट, और फिर आपके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, देन यू विल बी गेटिंग कंफ्यूज्ड। ठीक है, तो इसमें एक प्रॉपर वे में आपकी प्लानिंग होगी, आपके पास बहुत सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, सबको नहीं देखना है, अदरवाइज योर माइंड विल बी गेटिंग डिस्टर्ब। ठीक है, आपके पास मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, तो क्या आप सारी बुक्स सॉल्व करते हैं? नहीं ना, तो यू जस्ट हैव द ट्रस्ट ऑन द फैकल्टीज, आप जस्ट उन्हें कम्प्लीटली फॉलो कीजिए। यू आर नॉट मशीन कि आप 24 आवर्स कुछ भी देखते रहें करते रहें देन यू थॉट कि यार हाँ मेरा काम हो जाएगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, आप ये मत समझिए कि जैसे आप फिजिकल क्लासेस ले ही नहीं पा रहे हैं, आप जस्ट सोचो जब आप इस वीडियो को खोलो कि हाँ आप मैं इस फिजिकल क्लासेस में बैठ गया हूँ, और इसमें एक और बेनिफिट होगा कि चलो उसमें तो आप इसको रिवाइंड नहीं कर सकते थे, जहाँ पर भी कोई भी कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा वीक लगा उसको पॉज कीजिए वीडियो को और वापस रिवर्स में चले जाइए। ठीक है, समझ रहे हैं? तो एक तो आपको क्या करना है कि आपके जो भी तीनों सब्जेक्ट हैं अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो भी बच्चे नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके बेटा आपको हर सब्जेक्ट के 2 रजिस्टर्स मेंटेन करने हैं। वन विल बी लाइक क्लास वर्क रजिस्टर जिसमें आप अपने नोट्स वगैरह ये सब चीज़ बना रहे होंगे, ये आपको इजीली अवेलेबल मिल रहे हैं, इसका मतलब नहीं यार कभी किसी दिन कहीं लिख दिया किसी दिन कहीं लिख दिया। फिजिक्स के सारे नोट्स एक सेपरेट रजिस्टर में बनेंगे, उसमें हेडिंग डालेंगे वेक्टर, और मैं जो भी कुछ इस ड्यूरेशन में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ चाहे वो क्वेश्चन हो चाहे थ्योरी हो उसमें आप नोट कीजिए। ठीक, फिर इसके बाद मैं आपको कंसेप्ट बिल्डिंग शीट्स और वर्कशीट्स अवेलेबल करा रहा हूँ, वो हम दे रहे हैं आप लोगों को, वो सेकेंड रजिस्टर आपको एज ए होमवर्क उसमें काम आएगा, आप उसकी उसी दिन की सारी चीजें उसमें देखिए फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और उन सॉल्यूशंस को आप हमें मेल या व्हाट्सएप आपको करना है जो भी आपको बता दिया गया है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम होगी बताएंगे। आप ग्रुप में अपने प्रॉब्लम डाल सकते हैं कि सर मुझे वहां पर दिक्कत आई है सर तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूँ, तो उस टाइम उसका शॉर्ट वीडियो बना के आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी इस चीज का सॉल्यूशन समझाया जा सकता है। ठीक है, ट्राई टू बी कनेक्टेड कि आपको जहाँ भी दिक्कत आ रही है जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप हमसे उस चीज़ को शेयर करें। मैं आपसे फिर बता दूँ, आप तीनों सब्जेक्ट्स की बेटा सबके 2-2 रजिस्टर्स बनाइए और क्लास को सिक्वेंसली फॉलो कीजिए, जिस दिन उसकी क्लास आपके अवेलेबल कराई उसी दिन आप उसको कंप्लीट कीजिए, वीडियो को उसको मत कीजिए, बिल्कुल 0 से स्टार्ट होकर एंड तक चलना चाहिए। हम उसमें कभी भी किसी जगह पर कुछ क्वेश्चन दे देते हैं चाहे वो लास्ट में दिया है आपने सोचा है एंडो में जा रहा है छोड़ो चलो उसको क्या करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं, इस तरह से आपको फॉलो करना है। एंड यू लेट मी नो इन 5 और 6 डेज आपको ऐसा लगेगा हाँ सर मेरे बिल्कुल 100% सारा कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं आपसे प्रमोश कर रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को एक जब मुझसे जुड़े हो डेडिकेटेडली इस चीज़ को मान रहे हो, 10 साल का हमारे इस चीज़ में एक्सपीरियंस रहा है और भी जो टीचर्स हैं वो वेल एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड हैं, तो हम इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको बेनिफिट ये होगा कि हम बहुत स्मॉल ग्रुप्स में काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम 10,000 20,000 बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं तो ये पता नहीं लगेगा किसको क्या डाउट आया किसको क्या नहीं आया।
वी विल बी रिजॉल्विंग योर डाउट्स, ठीक है, उसके लिए अलग से चीज़ें प्लान की हुई हैं। वी विल बी गिविंग यू द असाइनमेंट्स, DPQs, कंसेप्ट बिल्डिंग सीट्स एंड ऑल, उसमें उसी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, जस्ट आपको फॉलो करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इस सब चीज़ को आप जब इस पूरे कंप्लीट सिस्टम को आप फॉलो करेंगे, डेफिनेटली विल बी गेटिंग द एडवांटेज, ट्रस्ट मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपने पिछली क्लास देखी होगी तो मैंने कुछ आपको क्वेश्चन वेक्टर है उससे रिलेटेड बताई थी। आज हम थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर बड़ा हार्ड नहीं है, बट हमें हमारी फिजिक्स के तरफ जो कुछ मैथमेटिकल टूल्स होते हैं, कुछ हमारी जो अप्रोच होती है ना, उसको ये सुधरवाएगा। अब मैंने आपसे क्वेश्चन वेक्टर की भी बात कर ली थी। ये क्वेश्चन आपको एक तरह से ट्राई मानना है, मेरे साथ साथ आपको चलना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्यूब लिया, ओके ओके सर, आपने क्यूब लिया, ले लिया सर आप, ये मैंने एक क्यूब लिया है, इस क्यूब की साइड है बेटा मेरी वन मीटर का एक क्यूब है, 1 सेंटीमीटर कुछ मान लीजिए, चलो मैंने 1 मान लिया, 1 मीटर, 1 मीटर का एक क्यूब है। अब आप इसको कोऑर्डिनेट लिखिए, बहुत बेसिक से मैंने इन चीजों को उठाया है कि इस क्यूब के सारे कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं। इस क्यूब के कितने फेसेस हैं, रूम मान लीजिए, आप जिस भी रूम में बैठे हैं उसको देखो कि वो उसको ऐसे क्यूब ट्रीट कीजिए कि सर 1 इधर, राइट, मेरा हैंड का चेक कर पा रहे, हाँ 1 2 3 4 कि सर 4 तो हो गए, एक ऊपर एक नीचे, 6, ठीक। कॉर्नर्स कितने हो गए कि सर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8। तो इन सारे जो कॉर्नर्स पर अगर मैं कोऑर्डिनेट्स आपसे पूछूं तो आप उसे कैसे लिखोगे, दिस इज माय क्वेश्चन। आप क्या करें बेटा, इसको आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, मान लिया, तो ये आपकी हो गई आपकी वाई एक्सिस, ठीक बात, तो ये हो जाएगी आपकी जेड एक्सिस। इसको अगर आपने ओरिजिन माना है तो ये रहेगा आपका 0, 0, 0। अब आप सोचो इस चीज को क्या लिखेंगे कि सर मैं एक्स एक्सिस में ही आया हूं, मेरा वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है क्या? नो, जेड कोऑर्डिनेट कहीं नहीं गया हूं मैं। इसका मतलब इस जगह के जो पॉइंट होंगे, मैं इसको पॉइंट 1 कह दूंगा, इसको 2 कह दूंगा, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, बनके 0, 0, 0 इजीली हो गया। 2 क्या आप लिखेंगे कि सर मेरा सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट बदला है, एक्स कोऑर्डिनेट बदला है तो मैं कह दूंगा इसको 1, कॉमा वाई 0 है मेरा, जेड भी 0 है, समझ में आई बात, वेरी गुड। अब 3 पे कैसे जाएंगे कि सर 3 में एक्स तो मैं चला ही था 1, अब मैं वाई में ऊपर जा रहा हूं 1, ध्यान दो वाई में ऊपर जा रहा हूं 1, और सर जेड अभी मैं इधर नहीं आया हूं। आप इसको या तो फ्लोर पे मान लीजिए, कहीं भी आप मान लीजिए, मेरे पीछे की दीवार को मैंने मान लिया तो सामने वाला जेड एक्सेस हो जाएगा। एक्स वाई जेड तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक बात, एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई और जेड तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। एक एक पॉइंट पर थोड़ा सा नजर डालिए, मैं आपको सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताऊंगा ध्यान से अगर सुनते जाए तो। वन यहाँ पर मेरा एक्स को चेंज हुआ था, वाई में कहीं नहीं गया था, जेड में कहीं नहीं गया था। जब थर्ड पॉइंट पे मैं गया हूँ तो सर कि आप ऐसे बनाए हो और ऐसे सर आप ऊपर भी गए हो वाई एक्सिस में और जेड आप कहीं नहीं गए हो सर, तो वो जीरो हो गया। फोर्थ का बताओ भाई, फोर्थ कि सर फोर्थ एक्स जीरो है, एक्स में ऐसे कहाँ चला हूँ, मैं सीधा ऊपर गया हूँ तो जीरो, वाई 1 और जेड अभी कहीं नहीं गए हम तो ये भी जीरो, सिंपल। अब आप लिखिए किसका लिखेंगे, आप फिफ्थ का बता दीजिए, चलिए फिफ्थ का कैसे बताएंगे, सोचो फिफ्थ हमारा एक्स नहीं गए हैं, हम गए हैं वाई में पहले ऊपर और फिर जेड एक्सिस में हम पीछे की तरफ चले हैं,
तो ये हो जाएगा मेरा 0,1,1। ठीक, आपको सिक्स्थ के क्या बताएंगे? सिक्स्थ का हो जाएगा कि सर मैं एक्स गया 1, सर वाई भी गया 1, और फिर मैं जेड में गया 1। ठीक बात। सेवन्थ के क्या बताएंगे कि सर सेवन्थ में मैं एक्स में कहीं नहीं गया हूँ, वहीं रहा हूँ 0। मैं ऊपर नहीं गया हूँ सर, तो वाई में भी नहीं गया हूँ 0। इसका मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस में गया हूँ, दैट इज 1। और एट्थ में बेटा क्या बताएंगे आप? एट्थ में कि सर मैं पहले 1x में आया, बाई में मैं कहीं नहीं गया हूँ, जेड एक्सिस में मैं 1 गया हूँ, तो ये ऐसे होगा। इसको आप सोचिएगा, फिर से कुछ ऐसा करना। ठीक है, ये बहुत सी बार क्यूब के हिसाब से या क्यूबर्ड क्यूबर्ड के हिसाब से हो सकते हैं, क्यूबर्ड में अलग अलग होते हैं। तो आपको दो पैरामीटर दे दिया जाएंगे, जैसे ये डिस्टेंस है 2 और ये डिस्टेंस है 3, तो फिर 2 और 3 के हिसाब से बनेंगे। ऐसा क्वेश्चन है, सिंपल है, कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत आएगी डेफिनेटली मैं आपको फिर से बताऊंगा इस बारे में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? आज वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, वापस इसको रिमाइंड कीजिएगा और फिर मुझे आप बताइएगा। तो मैं वापस से आपको पिछले टर्न पर मैंने आपको हालांकि ये बता दिया था, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। कुछ बच्चों ने मुझे बताया था कि ट्रायंगल ऑफ एडिशन में सर थोड़ी सी मुझे दिक्कत आ रही थी, तो एक बार हमारा रिकैप हो जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग डालिए ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन करेंगे कैसे करेंगे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है बेटा, यहाँ पर वो ही वेक्टर है जिसको मैं ए वेक्टर कह रहा हूँ। ठीक है, और एक वेक्टर है मेरा, क्या मैं बहुत बेसिक से उठा रहा हूँ, सीधा सीधा उसी डायरेक्शन में है, लेट्स से उसको मैं बी वेक्टर कह रहा हूं, और ये है मेरा क्या, ए बी वेक्टर। तो हमें क्या करना, अगर मुझे इन दोनों को ऐड करना है, मुझे अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है, तो एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, वो ए वेक्टर तो ऐसा है ही। और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में क्या कहता है कि अब सर एक की हेड को दूसरे की टेल से कनेक्ट करना है, तो ए आपका ये हो गया और ए भी आपका ऐसे आ जाएगा, ये है ये भी है, तो सर ये पूरा का पूरा रिजल्टेंट बन जाएगा। तो मेरा जो रिजल्टेंट आर रहेगा, दैट विल बी ए प्लस बी जो बनेगा मेरा, उसको मैं कहूंगा ओ बी वेक्टर, और ये ओ बी वेक्टर बना होगा ओ ए प्लस। समझ में आई बात? उसी तरह से कि सर ये तो आपने ऐसे कर दिया, अब अगर किसी एंगल पर होता, अब अगर किसी एंगल पर होता तो मैं ऐसे कैसे कर रहा होता? तो मैं इसके लिए आपको दोबारा से पूरा कंप्लीट एक फेज में आपको बताना पड़ेगा मुझे। हमें अगर एक वेक्टर ऐसे है, और एक वेक्टर ऐसे है, इन दोनों को ऐड करना है इस पर। ठीक है, इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? बैक टू द बेसिक्स कि पहला वाला एक वेक्टर लीजिए, आपको वेक्टर आपको क्या करना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करना है। कि सर उसके लिए मैं पहले एक वेक्टर ले लूंगा, ले लिया सर, ये वो ही वेक्टर है,
ये हमारा ओ से स्टार्ट हुआ है, ये वेक्टर है ओ, और इसमें मुझे बी वेक्टर को ऐड करूंगा। तो बी वेक्टर का सर इसका टेल पहले वाले के हेड से कनेक्ट होना चाहिए, पैरेलली इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ। जैसे एक कोई एक वेक्टर ऐसे होता, तो आप इसे ऐसे या आप इसे ऐसे ऐसे इसको कहीं भी करोगे ना, तो वो चेंज नहीं होगा, उसका जो एक तरह से उसकी वैल्यूज है वो चेंज नहीं होगी, उसका इम्पैक्ट है वो चेंज नहीं होगा, वो वहीं की वहीं रहेगा। मैं चाहे ऐसे ये कहूँ तब भी वही कहलाएगा बी वैक्टर, अभी भी बी वैक्टर है, अभी भी बी वैक्टर है, पैरेलली शिफ्ट करने तक, क्योंकि ना मैं उसका डायरेक्शन बदल रहा हूँ और मैग्नीट्यूड जो है वो है। तो मैं इस बी वैक्टर को फिर क्या करूँगा, मैं इसको पैरेलली शिफ्ट ले गया और मैं इसको ऐसे कर दिया कि सर ये मेरा हो गया बी वैक्टर, ये भी। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या कह रहा था कि जब हम एक के हेड को दूसरे के टेल से कनेक्ट करते हैं, तो फिर उन दोनों को जब एक सीधे एक लाइन जोड़ देते हैं, तो वो उसका रिजल्टेंट होता है। मतलब ये जो बना ये है इसका रिजल्ट, दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, जिसको मैं आर कह सकता हूँ, समझ रहे, दिस आर will be equal to a plus b. कोई कंफ्यूजन है तक आपको, इसको नोट कीजिए आप। अब इसको कैसे करेंगे कि सर ये रिजल्टेंट रहा मेरा ये, और फॉर एग्जांपल ये रिजल्टेंट मेरा इससे कुछ अल्फा एंगल बना रहा हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं ए और बी वेक्टर के बीच में क्या एंगल था? जब भी आप एंगल देखोगे तो फिर दोनों की टेल आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए। तो मैं इस ए वेक्टर को आगे ऐसे बढ़ा दूंगा, तो ये जो एंगल आएगा ना बेटा, दिस इज द थीटा एंड दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और इसको मैं कंप्लीट एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूँ। तो जो अगर मैं इसको कह दूं एन, और ये तो आपका भी है, समझ रहे हैं, तो मैं ट्राइंगल ले लूं अगर ओ एन बी, उसमें आप ए एन को क्या कहोगे, सॉरी ओ एन को, ओ एन को कहोगे आप कि सर ये यहां से यहां तक तो ए है ही प्लस ए एन, आप बी एन को क्या कहोगे, बी एन मेरा होगा ये वाला, या एन भी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, मैं इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूँ। इस डिस्टेंस को क्या कहोगे, तो इसमें मैंने आपको पिछली बार कंपोनेंट में समझाया था कि अगर ये बी है और ये थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, मैं फिर से देखो बता देता हूँ, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर ऐसे एफ आ जाए और ये हो थीटा, तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ना, इसको कहोगे आप एफ कॉस थीटा, ये याद रखना है आपको। और ये इसको दो दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं हम इसको, और वो दोनों के दोनों कंपोनेंट क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक अलोंग द एक्सिस जहां से आपको एंगल दिया हुआ है, मुझे यहां एक्स एक्सिस से एंगल गिवन था, तो ये वाला कंपोनेंट आ गया, और एक उस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो ये वाला कंपोनेंट आ गया। अगर मैं इस केस की बात करूं, तो यहाँ मुझे इस एक्सिस से एंगल गिवन था, आप इसको याद करने की शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि जिस एक्सिस से एंगल गिवन हो, मतलब देयर इज सम रिलेशन विद दैट, इसलिए आपको एंगल गिवन है, वो उसका फ्रेंड है, वो उसके क्लोज है, तो जिस एक्सिस से एंगल दिया हुआ होगा वो उसके क्लोज होगा, सी से क्लोज, सी से कॉस, तो वहां पर कॉस थीटा होगा, तो रिमेनिंग जो बचा उसमें sin थीटा ही आएगा। याद करने वाली बात है, वेक्टर के कंपोनेंट आप जब भी करोगे, एक sin थीटा आएगा, एक cos थीटा आएगा। ज्यादातर मैक्सिमम बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है, साल भर लगे रहते हैं कि हाँ ये तो याद रहता था कि आप cos थीटा, b sin थीटा, f cos थीटा, जो भी है जिसके भी कर रहे हो आप, कि सर एक तरफ sin थीटा रहता है, एक तरफ cos थीटा रहता है, लेकिन किस तरफ क्या, इसकी इजी सी ट्रिक मैंने आपको बता दी है कि जिस एक्सिस के साथ एंगल दिया हुआ है उसको आप समझो कि वो उसके क्लोज है, सी से क्लोज, क्लोज सी से कॉस, तो बची हुई जो दूसरी परपेंडिकुलर एक्सिस होगी उसमें साइन ही आएगा, एफ साइन थीटा,
तो मैं अब इसको कह सकता हूं क्या कि सर इस वी का जो एक कंपोनेंट एन के रूप में आएगा सर, ये थीटा दिया ही था, तो ये वाली जो आपकी जो लाइन आएगी सर वो आएगी वी कॉस थीटा। तो सर जो ये परपेंडिकुलर जो आया सर ये आएगा वी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मतलब बी एन क्या बना, ये बना मेरा बी साइन थीटा, ठीक बात। तो मैं इस ट्रायंगल ओ एन बी में मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा इस कंप्लीट ट्रायंगल ओ एन बी में मैं कह सकता हूँ कि ओ बी वेक्टर का स्क्वायर, एक तरह से हाइपोटेनियस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये ए प्लस वी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। मैंने इसमें पाइथागोरस लगाई, कुछ नहीं लगाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर विल बी इक्वल टू इसका स्क्वायर, ये रहेगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो आप सब सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसको क्या करता हूँ करके देखते हैं, इसको ए स्क्वायर ठीक है प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, मैं पहले इधर वाला ये लिख देता हूँ जिससे आपको कॉमन लेने में आसानी, ये जो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब इसमें जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो लीजिएगा प्लस टू ए बी वाला चीज रखे थे ना, प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से ये बना क्या, इस रिजल्टेंट का स्क्वायर जो है मेरा ये बना, अब इसमें से मैं क्या कर लूंगा ए स्क्वायर प्लस, मैं क्या कर कॉमन ले सकता हूँ बेटा, यहाँ पे मैं ले सकता हूँ बी स्क्वायर कॉमन, बी स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा वन, तो क्या सीधा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, बिल्कुल हो गया, प्लस टू ए बी कॉस थीटा। आपको सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड ही चाहिए तो अंडर रूट लगा दीजिए इसमें, स्क्वायर हट जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है आगे बढ़े, अभी मैं जस्ट इसमें एक छोटा एंगल और मुझे बताना था, जस्ट आई एम नॉट श्योर कि आपको ये कुछ अगर आ पाएगा क्या, कहाँ लिखने की कोशिश करूँ, चलो कंप्लीट करते हैं मेरे इसको, हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि सर मैंने रिजल्टेंट तो निकाल लिया सर, उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लिया, अब मुझे चाहिए कि सर जो रिजल्टेंट है सर उसका डायरेक्शन क्या रहा, मतलब दिस इज रिलेटेड विद दिस अल्फा, कि अल्फा क्या है किस डायरेक्शन में, वेक्टर्स में जो थीटा वगैरह रहेगा ना वो उसका डायरेक्शन रहेगा। तो यहाँ पर ये थीटा तो उन दोनों भी वेक्टर्स के बीच का एंगल था, यहाँ पर मैं इस अल्फा की बात कर रहा हूँ। तो जब मैंने इसे पूरा ट्राइंगल ले लिया, इस पूरे ट्राइंगल में आप यार मुझे ये बता सकते हो क्या, इस पूरे ट्राइंगल में मुझे ये बताओ टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या कहोगे कि सर जो टेन थीटा रहता है दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस ठीक है, कि सर मैं जब इसमें टेन अल्फा लगाऊंगा तो मेरा टेन अल्फा हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर जो ये बी एन डिवाइडेड बाय बेस सर मेरा एक तरह से ये ए प्लस ये था सर ये बी कॉस थीटा। तो यहां से आ जाएगा क्या मेरा टेन अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या था बेटा बी एन, ये था मेरा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर आपसे सिर्फ अल्फा पूछा है तो इसको टेन इनवर्स करके लिख दीजिए, टेन इनवर्स बी
साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, याद रहना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। उसको वीडियो को वहीं पॉज कर दीजिएगा और फिर आपको देखना है कि एक बार इसको फिर से वापस से देख लेना कि रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे, फिर आगे की चीजों पर बढ़िएगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है हमारा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो कुछ नहीं है, सिंपल है। जब ट्रायंगल लॉ में आता है तो उसमें सिर्फ हमें पैरेललोग्राम बनाना होता है और कुछ नहीं होता। बाकी सारी की सारी कहानी रिपीट टेलीकास्ट है। वो कैसे बनेगी वो मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ए वेक्टर है, ठीक बात, और दूसरा मेरा इस डायरेक्शन में कोई बी वेक्टर था। आपने क्या किया कि आपने पहले जो ट्रायंगल में दिखा करते थे इसकी हेड को उस दूसरे की टेल से कनेक्ट करते थे, लेकिन अगर आपने उसे सीधा ऐसे कर दिया होता ये बी वेक्टर है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल के उतना के बने बेटा आपको इन दोनों के बीच में एंगल के बने में थीटा, तो तब ए प्लस बी क्या होगा। तो वो क्या कहता है कि जब ऐसे आप डायरेक्टली दोनों के टेल टेल को जब आप कनेक्ट कर दोगे तो उनसे जो पैरेललोग्राम बन रहा होगा ना उसको फिर आप डायगोनली जब कनेक्ट करेंगे दैट विल बी द रिजल्ट। वो कैसे बनेगा कि मैं इसको ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। क्या मैं इस ए वेक्टर को ऐसे पैरेलली शिफ्ट कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो फिर ये जो बनेगा ये उसका रिजल्टेंट होगा आर। ये कह रहा है यही तो कुछ ऐसा हम ट्रायंगल में कर रहे थे, कुछ नहीं हुआ, ये है आपने शिफ्ट करके उस बी को ले आए तो बी सर यहीं पे आ गया। फिर हम क्या कर रहे थे, हम इसमें बना रहे थे एक ट्रायंगल जिसमें ये फिर बी साइन थीटा आ रहा था और ये बी कॉस थीटा आ रहा था, तो सारी की सारी वही कहानी हो गई। फिर से आप इस हाइपोटेन्यूस को आर को मानोगे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा। लेकिन जब एक लॉ बना दिया हमने से, हम उसमें पैरेललोग्राम बनाएंगे और उस पैरेललोग्राम में जब आप उसे डायगोनली जब आप उसे कनेक्ट करोगे तो फिर उस डायगोनल को कहोगे आप उसका रिजल्टेंट। मैथमेटिकली ही वो वही चीज है। मैं फिर से आप क्या कर रहा हूँ कि सर ये आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस सर ये है बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो सारी कहानी फिर से वापस वहीं पर पहुंच गई और ये फिर से वही हो जाएगा। और उसी तरह से इसमें क्या करेंगे हम अल्फा भी निकालेंगे, ठीक है। तो अब इसको आपको याद रखना है एज ए रिजल्ट के तौर पे कि जब भी आप वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करते हो तो जो आर रहता है मतलब एक तरह से उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रहता है। मैंने अगर इसे इस पर वेक्टर लगा तो ये उसका मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है। वो क्या रहता है, वो रहता है आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है उसके मैग्नीट्यूड के, और ये क्या होता है, ये होता है हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ पर मैं कुछ केसेस बनाता हूँ जिससे आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में इजीनेस हो। तो मैं कुछ स्पेशल केसेस अगर यहाँ से बनाऊँ वो क्या बन रहा है कि सर R इज इक्वल टू सीधा सीधा A प्लस V, कब, व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो। आप कैसे हो रहा होगा वो कि सर थीटा इज इक्वल टू जीरो में जैसे ही पुट करूंगा इसमें कॉस जीरो कितना होता है, कॉस जीरो होता है मेरा वन, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ये क्या बन जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर जिससे रूट हट जाएगा स्क्वायर से और इसी तरह से जाएगा ए प्लस बी। थीटा इज इक्वल टू जीरो सीधा से मतलब है, इसका मतलब है दोनों के दोनों वेक्टर पैरेलल हैं एक ही डायरेक्शन में है, और जब एक ही डायरेक्शन में होगा
तो उन दोनों को ऐड ही करेंगे। समझ में आई बात? वैसे ही अगर थीटा इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री हो, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मतलब वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल, उसकी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। आप यहाँ पे 180 डालोगे तो -2 भी आ जाएगा, इसका मतलब ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तब जो r आएगा वो आएगा आपका a माइनस बी, ठीक बात। और क्या होगा जब, क्या होता होगा जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता होगा, मतलब दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, उस केस में क्या होता होगा? तो उस केस में आप क्या करेंगे, जैसे आप 90 डालोगे cos 90 कितना होता है बेटा, cos 90 हो जाता है हमारा, सोचिए 0, cos 90 जैसे हमारा 0 होगा तो ये सीधा सीधा आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहाँ से हम आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम आपको, आई होप आप सब ने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। अब हम धीरे धीरे वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स दी न्यूमेरिकल्स। यहाँ से मैं आपको एक वर्कशीट भी दूंगा, वो इस आप पहले क्लास कीजिएगा फिर उसको बाद उसे सॉल्व करना। अब हम लगभग थ्योरेटिकल चीज़ें इस चैप्टर की कवर कर चुके हैं, इट विल बी प्योरली नाउ प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो हम इसमें वो सारी चीज़ें भी आगे देखने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, सी इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, गुड बाय।